हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीतल सुरेजास वेज किचन। कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया से ही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की चकली। काफी क्रिस्पी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। चाय के साथ खाने में इतना मजा आता है, आहा। एक बार जरूर ट्राई करिए चावल की चकली। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए हम भी बनाते हैं चावल की चकली। चावल की चकली बनाने के लिए हम 2 कप चावल का आटा लेंगे। अभी मैं 1 कप डालूंगी बेसन, अजवाइन, सफेद तिल, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच घी डालेंगे हम। अभी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1.5 कप गरम पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चम्मच से हिलाएंगे। ये 1/2 कप मैंने अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट तक ठंडा होने दूंगी और इसको थाली से ढक देती हूँ। हमारा 10 मिनट हो गया है। अब हम थोड़ा हाथ से इस तरह से गूंदेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से आटा गूंद लिया है। अब मैंने ये मशीन लिया है, इस चकली के अंदर सारे मैंने ऑयल लगा दिया है। अब मैं थोड़ा सा हाथ में लूंगी और इसके अंदर मैं डालूंगी। इस तरह से पूरा एकदम भर लिया है। इसमें हवा नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो बीच में हम मशीन चलाएंगे ना तो टूट सकता है। तो अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। इस तरह से हम बना लेंगे शेप। देखिए, आप कोई भी शेप दे सकते हो। तब भी मैं इसे डीप फ्राई कर लेती हूँ। इसे हम लो फ्लेम में डीप फ्राई करेंगे, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो बीच में क्या होता है ना, अंदर से कच्चा रह जाता है। अब हम इस तरह से बाकी का भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी चावल की चकली एकदम बढ़िया से बन चुकी है। देखिए, तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।